नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत चीन में सीमा विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अचानक लेह पहुंचे। इस दौरान पीएम ने सेना के उच्च अधिकारियों से जमीनी हालात की जानकारी ली। पीएम मोदी के साथ सीडीएस बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने 15-16 जून की रात गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में घायल हुए जवानों से मुलाकात की, साथ ही उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की और उनके साथ मिलकर उनकी हौसला अफजाई कर क्या कुछ कहा, सुनिए। जो वीर हमें छोड़ के चले गए हैं वे भी ऐसे ही नहीं गए, आप सबने मिलकर के करारा जवाब भी दिया। शायद आप घायल हैं, अस्पताल में हैं, इसलिए शायद आपको अंदाजा नहीं आता होगा, लेकिन 130 करोड़ देशवासी आपके प्रति बहुत ही गौरव अनुभव कर रहे हैं। आपके इस साहस शौर्य हमारी पूरी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रही है और इसलिए आपका ये पराक्रम, आपका ये शौर्य और आपने जो रक्त बहाया है वो हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देशवासियों को आने वाले लंबे अरसे तक प्रेरणा देता रहेगा। और आज जो विश्व की स्थिति है वहां जब यह मैसेज जाता है कि भारत के वीर जवान ये पराक्रम दिखाते हैं, ऐसी ऐसी शक्तियों और शक्तियों के सामने दिखाते हैं, तब तो दुनिया भी जानने को बड़ा इच्छुक रहती है कि नौजवान है कौन, उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनका त्याग कितना ऊंचा है, इनका कमिटमेंट कितना बढ़िया है। आज पूरा विश्व आपके पराक्रम का एनालिसिस कर रहा है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रणाम करने आया हूं, आपको छू करके, आपको देख करके एक ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, एक प्रेरणा लेकर के जा रहा हूं और हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं न कभी झुकेंगे। और ये बात मैं बोल पा रहा हूं आप जैसे वीर पराक्रमी साथियों के कारण। मैं आपको तो प्रणाम करता हूं, आपको जन्म देने वाली आपकी वीर माताओं को भी प्रणाम करता हूं, शत शत नमन करता हूं माताओं को जिन्होंने आप जैसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया है, पाला पोसा है, लालन पालन किया है और देश के लिए दे दिया है। उन माताओं का जितना गौरव करें, उनको जितना सर झुका करके नमन करें इतना कम है। फिर एक बार साथियों, आप बहुत जल्द ठीक हो जाए, स्वास्थ्य लाभ हो और पुनश्च हरिओम, पुनश्च हरिओम, इसी मिजाज के साथ आओ, हम सब मिल करके चल पड़ेंगे। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पीएम मोदी ने इस दौरान गलवान वैली से चीन को चेतावनी भी दी और सेना के जवानों की हौसला अफजाई कर इसी तरह डटे रहने को लेकर उनके मनोबल को भी बढ़ाया। लेकिन हालात में अभी कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि चीन लगातार भारत के खिलाफ नई नई चाल चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।